हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेपाल वर्सेस आयरलैंड वर्ल्ड T20 की बात करेंगे। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान वाइस कप्तानशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देख लेते हैं कौन से प्लेयर को लेके जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इससे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टूर्नामेंट के वीडियो तो आपको मिलते रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियोज़ मिलेंगे, जैसे कि ICC एकेडमी रमजान T10 के वीडियो मिलेंगे, शारजा रमजान T20 के वीडियो मिलेंगे, इसके साथ यहाँ पर गुवाहाटी प्रीमियर लीग के वीडियो मिलेंगे। तो बहुत सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की जो टीम वगैरह रहेगी वो सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच दोपहर में 12:45 पर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड करतीपुर नेपाल में खेला जाएगा, जहां पर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल बैटिंग के लिए अच्छी पिच है। देखो रन्स यहां पर अच्छे खासे बनते हैं, 170-180 ऐसे आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। इवन थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पिनर्स के लिए एडवांटेज है लेकिन रन्स यहाँ पर बनेंगे। ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल की तरफ से यहाँ पर एज एक्सपेक्टेबल है कि यहाँ पर कुशल पुर्टेल और आशिफ शेख दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। अभी देखो पिछली बार क्या हुआ था, अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट था वहाँ पर शुरुआत के अंदर कुशल पुर्टेल ने ओपनिंग करवाया था, वो फॉर्म में नहीं थे, इसके बाद इनको यहाँ पर मौका मिला था यहाँ पर अनिल कुमार शाह को। तो ये भी कभी कभार यहाँ पर आके ओपनिंग करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एक्सेप्टेशन है कि कुशल पुर्टेल और आशिफ शेख दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। जो कि यहाँ पर कुशल पुर्टेल की बात करें तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से आपको एडवांटेज दे सकते हैं, तो इनको तो एज अ प्लेयर लेके जाएंगे, चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्क के तौर पर कर सकते हैं। इसका साथ यहाँ से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आशिफ शेख, जो कि यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए एक चॉइस बन सकते हैं। हालांकि आज आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से और भी चॉइस मिलने वाली है, तो इनको आप लोग डिफेंस सेल में ले सकते हैं। हालांकि रिसेंटली फॉर्म इनका ठीक ठाक है, ओवरऑल प्लेयर अच्छा है यहाँ पर। इसके अलावा ऐसे रोहित कुमार फोडेल जो कि टीम की कप्तानशिप करवा सकते हैं, और इन्होंने भी अभी शुरुआत तो अच्छी की है। देखो यहाँ पर पिछले कुछ मैचेस के अंदर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप एंड डाउन है, ओवरऑल 47 मैच के अंदर करीब 30 के ओवर से 1031 रन जरूर है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करवा लेते हैं और साथ में यहाँ पर बैटिंग भी करवा लेते हैं, टॉप में आता है पर तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए, चाहो तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। गुलशन जात थोड़े से ठीक ठाक रहेंगे, हालांकि पिछली तीनों मैच के इन्होंने विकेट निकाली, हालांकि पिछले टूर्नामेंट के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, शुरुआत इनकी ठीक ठाक रही थी, इसके बाद इन्होंने पिछले कुछ मैचेस के अंदर विकेट निकाली थी। फिर यहाँ से बात करते हैं दीपेंद्र सिंह एरी की, जो कि एज अ प्लेयर के साथ कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की सबसे सेफ पिक है हमारे लिए। दीपेंद्र सिंह एरी की बात करूँ तो ये दोनों तरफ से गेंदबाजी करवा दे, राइट आर्म मीडियम फास्ट भी है और ऑफ ब्रेक भी गेंदबाजी करवा लेती है। रिसेंटली 5 मैचेस की बात करें तो 48-63-16 के साथ 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट, ओवरऑल 61 मैच के अंदर 29 विकेट है और करीब 38 के ओवर से अपर 1500 से ज़्यादा रन है। इसके साथ ही पर कुशल मल्ला वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको छठे नंबर में मेंशन किया है लेकिन ये जरूरत पड़ने पर ऊपर से भी खेल लेते हैं, तो एज अ प्लेयर ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर लेके जाएंगे। करण केसी रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, वैसे प्लेयर अच्छा है, चाहो तो यहाँ पर ले सकते हैं, बाकी रिसेंटली फॉर्म इनका थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो चाहो तो यहाँ पर इनको ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी एज अ प्लेयर इनको ड्रॉप करना रिस्क तो जरूर है। सोमपाल कमी को हम लोग लेके जाएंगे, बाकी प्रतीश GC ओके। एक प्लेयर है यहाँ पर, वो यहाँ पर अविनाश बोहरा, जिनके ऊपर हम लोग यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि रिसेंटली देखो इनका भी 5 मैचेस की बात करें तो 3 ही विकेट मिले, ओवरऑल 56 मैच के अंदर इनके 67 विकेट हैं, काफ़ी अच्छा विकेट टेकर गेंदबाज है, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, पर ये डेथ होस में भी डालता है खासतौर पर यहाँ पर, तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो आप लोग। आकाश चंद जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रहेगा यहाँ पर, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज, और पिछली 5 मैच के अंदर लगातार इन्होंने विकेट निकाली, इवन 2 बार यहाँ पर 3-3 विकेट निकाले। तो यहाँ पर देखो टॉप ऑर्डर की बात की जाए, टॉप ऑर्डर में कुशल बुटेल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और या दीपेंद्र सिंह एरी, बाकी आप लोग आशिफ शेख तो विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, लेकिन रोहित कुमार पौडेल और गुलशन झा इन दोनों में किसी एक को ले सकते हैं, बाकी कुशल मल्ला वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और सोमपाल कमी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, बाकी इन चारों में से किसी एक दो या तीन प्लेयर को ले सकते हैं। इसके अलावा देखो बेंच में से कोई भी बदलाव होता है या फिर इन सारे प्लेयर्स में कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके रिकॉर्ड वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ी रहेगा, वहीं पर ही आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है। IRA की बात करते हैं तो IRA की तरफ से अपर मूरे कमिंस IRA यानी कि आयरलैंड है, और इनके साथ यहाँ पर जेरेमी लोअर ओपनिंग करवा सकते हैं।
मुरे कमिंस की बात की जाए तो यहाँ पर कमिंस का रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, बाकी ओवरऑल 27 मैच के करीब 24 के वजह से 579 रन है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते, चाहो तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर इस प्लेयर के ऊपर, क्योंकि ये खेलेगा तो टॉप में ही, और इसके पहले यहाँ पर बड़े पैमाने पर भी खेला हुआ है। लोलोर को आप लोग डिफरेंशियल में ले सकते हैं, 18 मैच के करीब 18 के एवरेज से 303 रन है, जिसमें से हाईएस्ट इनके 81 है। यहाँ पर देखो कमिंस ने 102 रन की एक बड़ी पारी खेली हुई है। इसके अलावा यहाँ से डोलेनी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। आई थिंक आप लोग आसिफ शेख की जगह पर यहाँ पर डोलेनी को ले सकते हैं। 27, 64, 17 और 23 पिछली 5 मैच के रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो ओवरऑल 46 मैच के करीब 30 की एवरेज से यहाँ पर 1100 से ज़्यादा रन है, और साथ में यहाँ पर 74 इनके हाईएस्ट हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर काफ़ी अच्छी चॉइस है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग यहाँ पर मैट फॉल्ट की बात करते हैं। प्लेयर अच्छा है लेकिन आई थिंक फॉर्म इनका काफ़ी ख़राब चल रहा है। ओवरऑल 25 मैच के करीब 25 के एवरेज से यहाँ पर 355 रन है, बैटिंग काफ़ी अच्छी करवा लेता है, लेकिन आई थिंक अभी का इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क है इनको लेके जाने में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग चाहो तो नील रॉक को ले सकते हैं। तो डोहेनी और नील रॉक, इन दोनों में किसी एक को जरूर लेके जा सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे। नील रॉक ने भी रिसेंट 102 रन किए थे, इसके पहले यहाँ पर 47 किए थे, और पिछली 3 मैच के इनकी ज़्यादातर बैटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनकी बैटिंग आने के चांसेस है, तो ये बंदा आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है। इसके सारे पर गैरेथ डेलानी एज अ प्लेयर के साथ कप्तान वाइस कप्तान सजेशेबल है, क्योंकि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से एडवांटेज देगा, डेफिनेटली लेके जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर बेन वाइट विकेट टेकर गेंदबाज है, और ये बंदा आपको हर मैच के अंदर 1 से 2 विकेट निकाल के देगा। लेग ब्रेक गेंदबाज है, मिडल्स में आएगा, और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत एडवांटेज एक्स्ट्रा एडवांटेज है, तो ऐसे बेन वाइट को आप लोग लेके जा सकते हैं। इवन मेरी टीम का इससे शायद यहाँ पर बेन वाइट में इनको लेके जाने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पर फ्योन हैंड की बात करते हैं। फ्योन हैंड भी यहाँ पर रिसेंटली फॉर्म इनका थोड़ा सा अप एंड डाउन है, यहाँ पर ओवरऑल 34 मैच के अंदर 28 विकेट है, जिसमें 3 विकेट इनके हाईएस्ट है। रन्स भी यहाँ पर ठीक ठाक करवा लेते हैं करीब 18 के एवरेज से। इसके साथ यहाँ पर मैथ्यू फोस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली लेके जाना है। इवन यहाँ पर पहले गेंदबाजी अगर IRA करवाती है तो इस प्लेयर के ऊपर आप लोग लिटरली एक रिस्क ले सकते हैं कप्तान और वाइस कैप्टनशिप का। इसके साथ यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मैथ्यू हम्फेयर्स की, जो कि ओवर्स तो पूरी करवाएगा, लेफ्ट आर्म ऑटोडॉक गेंदबाजी है। पिछले 5 मैच के अंदर यहाँ पर 5 विकेट निकाले हुए हैं, ओवरऑल 13 मैच के अंदर 12 विकेट T20 के जरिए की बात की जाए तो। लेकिन इससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पर टॉम मेस के साथ जाए, क्योंकि आपको बैटिंग भी अच्छी खासी करवाते दे सकते हैं। मैंने उसको नीचे मेंशन किया, लेकिन कभी कभार यहाँ पर बैटिंग से ऊपर से भी आ सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, तो यहाँ पर डेथ होस में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे टॉम मेस इनके साथ मैथ्यू फोस्टर, ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर बेन वाइट, ये तीनों गेंदबाज हैं, और बाकी बैटिंग सेक्शन से एक तो गैरेथ डेलानी को हम लोग लेके जाएंगे, और बाकी टॉप ऑर्डर में से मैं शायद यहाँ से ट्राई करूँगा मैक्सिमम कि यहाँ पर 2 या 3 प्लेयर को हम लोग यहाँ से लें अभी के लिए। इसके अलावा देखो बेंच में से कोई भी प्लेयर खेल रहा है तो इनकी स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में चैनल पर दिए जाएंगे। अभी के लिए देखते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को ले जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर डोहेनी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर देखो 2 ऑप्शंस और है, यहाँ पर आसिफ शेख जो कि यहाँ सेफ रहेंगे, लेकिन एक और अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो अपन नील रॉक अच्छे फॉर्म में, इनको ले सकते हैं। बाकी आप लोग पीटर मुरे जो कि पहले जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते थे, इनका भी नाम यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो ये शायद इनको मौका मिल सकता है। इसके साथ यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो पर कुशल बुटेल है, इनके साथ यहाँ पर रोहित कुमार पौडेल हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी तो यहाँ पर देख लेते, कोई भी अगर लाइनअप में कुछ चेंजेस रहेगा तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर कुशल मल्ला है, इनके साथ यहाँ पर गैरेट डेलानी है, और इनके साथ यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरिक होम ने लिया हुआ है। और बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर बेन वाइट है, इनके साथ यहाँ पर एम फोस्टर, इनके साथ यहाँ पर सोमपाल कमी, ए चांद को लिया मैंने। अभी देखो ये चांद का टुकड़ा अभी क्या गोल खिलाता है, क्योंकि सिलेक्शन इनका बहुत कम है और रिसेंटली फॉर्म इनका काफ़ी तगड़ा है, तो ये हमने एक रिस्क लिया है। और इसके साथ यहाँ पर टे मेज हमारी टीम के अंदर रहेंगे। देखो इन दोनों प्लेयर का सिलेक्शन काफ़ी कम है, और यहाँ पर केसी करण जो कि रिसेंटली इतने अच्छे फॉर्म में आने, लेकिन उनकी धरती है और नेपाल की तरफ से खेलते हैं, और कब यहाँ पर 2-4 विकेट निकाल ले वो मतलब सेफ रहेगा इनको लेके जाना। तो इन दोनों में से किसी एक को हटा के आप लोग इसको ले सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान हमारे ऐसे दीपेंद्र सिंह एरी, और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर गैरेट डेलानी को किया हुआ है। बाकी पब्लिक चॉइस है पर कुशल बुलटेरे, जिनको ज़्यादातर पब्लिक वाइस कैप्टन वगैरह कर सकती है। बाकी मेरी तरफ से कुछ ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, जैसे सबसे पहले मैं आपकर एम फोस्टर है, कुशल मल्ला है, इन दोनों प्लेयर को आप लोग वाइस कैप्टन वगैरह कर सकते हैं। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, हालांकि इसमें कुछ लाइनअप के बाद चेंजेस वगैरह देखने को मिल सकता है। तो आखिरी जो भी अपडेट रहेगी, आखिरी मेरी स्मॉल लीग की ग्रैंड
खिलाड़ी की जो टीम वगैरह रहेगी वो सारा कुछ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में एक और यूट्यूब चैनल है हमारा जहाँ पर हम लोग क्वालिटी मैचेस कवर करते हैं, जिसका नाम यहाँ पर FDC 11 है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर IPL के वीडियोज़ वगैरह हम लोग वहाँ पर कवर करते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।